हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है हमेशा की तरह चमचमाते हुए डॉक्टर राहुल हरदेनिया। आप लोग देख रहे हैं 100% और आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर, जहां पर सर हम लोग धड़ काउंसलिंग की बात कर रहे थे, अलग अलग कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो अब टॉपिक जो है वो आपको सर बताने वाले हैं। सर के बारे में सबसे पहले तो बता दूं, भाई साहब MBBS डॉक्टर है, तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक MBBS डॉक्टर ही जो डॉक्टर बनना चाहता है उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है और उसके सॉल्यूशंस दे सकता है। तो भाई साहब अब आज क्या बातें होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं और क्या क्या कवर होने वाला है सर बताएंगे। देखिए अर्पित जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा की। ये कॉलेज नया कॉलेज है, 2018 और 19 में ही ओपन हुआ है। अगर हम जो आज देखने जाएंगे कि पिछली साल 2020 में ये जो कॉलेज है वो किस रैंक पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोज हो गया था स्टेट लेवल की, तो साथ ही इस बार 2021 में इसका प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है, किस रैंक पर या किस नंबर पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा स्टेट लेवल काउंसलिंग राउंड वन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछली साल है, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ये कॉलेज की जो लास्ट सीट ओपन हुई थी, ओपनिंग रैंक मतलब जिस पर पहली सीट ऑप्ट हुई थी, क्लोजिंग रैंक का मतलब होता है जिस पर लास्ट हुई थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लोजिंग स्कोर जो है वो 585 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी पर सीट मिल गई थी। अगर रैंक की बात करूँ तो आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 27786 थी तो आपको ये कॉलेज मिल गया था। इस बार ये कॉलेज जाएगा अप्रोक्सीमेट 575 के आसपास। अगर मैं बात करूं तो 570 से लेके 575 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको विदिशा का मेडिकल कॉलेज राउंड वन में मिलने वाला है। ये बात की मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की, ओपन में अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड केवल एक सीट होती है, इसलिए इसमें प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2020 में 168 नंबर पर भी ये सीट मिल चुकी है। यानी अगर मैं नीट के क्वालिफाइड मार्क्स की बात करूं तो अराउंड 147 के आसपास थे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमको ये सीट मिल गई है। ठीक है, अनरिजर्व सेकेंड सैनिक में भी एक सीट होती है, ये कट ऑफ भी काफ़ी वेरिएशन करता है। कई बार देखा गया है कि 10 नंबर के अंदर ही फिल हो जाती है ये एक सीट, कई बार देखा गया है कि 20 से 30 नंबर तक चली जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अनरिजर्व में अगर आपके मार्क्स 575 हैं तो आपको विदिशा का मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में ये पिछली बार गया था 575, तो इस बार ये जाने वाला है अप्रोक्सीमेट 565 to 570। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए थे, नए मेडिकल कॉलेज जो साथ में ओपन हुए थे उसमें विदिशा, रतलाम, खंडवा और तुम्हारा दतिया, ये कॉलेज थे, उनमें विदिशा सबसे पहले भरा जाता है। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये भोपाल के पास है, MP वालों की काफ़ी अच्छी चॉइस रहती है, इसलिए OBC को ये मिलेगा अप्रोक्सीमेट 565 से लेके 570 तक। ये बात कर ली मैंने OBC की। अगर यहाँ पर EWS आप लोग देख पा रहे हो, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो ये कट ऑफ मिला था 577, OBC से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन जनरल से काफ़ी कम है। तो अगर आप लोगों के पास EWS के क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, आप पे सर्टिफिकेट नहीं है, तो बनवा लें बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल में EWS वाले ऑफिसली जनरल ही होते हैं, तो ये कम से कम हमको 10 से 12 नंबर का बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो इस बार की अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड जाएगा 565 के आसपास। क्लियर? तो अगर हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में बेटा ये गया था 458 पर और इस बार ये जाएगा अप्रोक्सीमेट 440 पर। फर्स्ट राउंड में आपको विदिशा मेडिकल कॉलेज ऑप्ट हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग से राउंड वन में। ST की अगर हम बात करें तो ये गया था 329 और इस बार ये जाएगा अप्रोक्सीमेट 320। तो अगर आपके 320 मार्क्स हैं तो आपको जो विदिशा का कॉलेज है वो आसानी से ST कैटेगरी में मिलने वाला है। तो अगर अपन सारी चीज़ों को अगर अपन रिव्यू करते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार राउंड वन में विदिशा का मेडिकल कॉलेज कितने नंबर पर मिलने वाला है। तो जनरल के लिए 575, EWS और OBC दोनों लगभग बराबर जाते हैं, तो 565 to 570 रहेगा। और अगर मैं बात कर लूँ SC की तो ये जाएगा 440 और ST के लिए 320।
ओके तो सारी की सारी बातें हो गई भैया, मैं तो खो ही गया था, इतना ध्यान से सुन रहा था सर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार मुझे डॉक्टरी चूज करनी चाहिए थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से समझाते, मुझे लगता है यार थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अब तो उम्र निकल चुकी है, अगले जन्म में देखेंगे कभी इंसान बने तो। उसके अलावा कर्म अच्छे करोगे तो इंसान ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। नहीं सही बात है। तो भाई साहब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में ना सर, विदिशा अगर आपको लेना है तो आप लोगों को किस तरीके से टारगेट करना है अपने स्कोर को, तो आपको ये कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारी की सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप उसको चेक करते रहे, लिंक पर क्लिक करते रहे और देखते रहे, पढ़ते रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम लोग आकर वीडियो बनाए, मैं और राहुल सर नीट के ऊपर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर ले आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आप लोग देख रहे थे 100% इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे को प्रेस कीजिए, प्रेस कर दीजिए। मैं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ डॉक्टर राहुल अर्देनिया। टेक केयर, लव यू ऑल एंड हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।